मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो ABFRL है। मुझे लग रहा है कि अक्टूबर टू दिसंबर का जो पीरियड है, अनिल जी, वैसे भी फेस्टिवल क्वार्टर माना जाता है और रिटेल बिजनेस इनका बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी इन्होंने रिकॉर्ड किया है। करीबन 30% का ऑपरेटिंग इबिटा पहले फर्स्ट हाफ में इन्होंने रिकॉर्ड किया है, 50% का टॉप लाइन बढ़ा है। मेरे ख्याल से आने वाला साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो इस लेवल से डेफिनेटली अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से 325-330 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। प्लस मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अभी कंज्यूमर स्पेंडिंग हो रही है, कंजम्पशन का भी थीम है, तो डेफिनेटली इसमें एक निवेश का मौका बन सकता है। और दूसरा स्टॉक अनिल जी, जो पहले भी मैं आपके चैनल पे कह चुका हूँ, आपने इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी इंटरव्यू किया है, वो कंपनी है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही इनके लिए बहुत दमदार आएगी। प्लस इन्होंने अभी एक 127 करोड़ का एक वारंट इशू भी किया है 212 रुपये में। बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है और मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में कम से कम 165-170 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। डाइनआउट स्पेस में ये काफ़ी वेल नोन है, काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि मेनलैंड चाइना है, बारिश है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा निवेश का मौका बन सकता है, जिनको 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम लेके इट्स अच्छा एक निवेश होटल स्टॉक में करना है। टारगेट 275 का रखें और ये है आपके स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, यहाँ भी खरीदारी करने की राय अविनाश जी की तरफ से आती है। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए, जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने शुगर कंपनीज के लिए अनाउंस किए, जो एथेनॉल बनाती है, वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने का बहुत फोकस रखती है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने अभी ब्लेंडिंग रेशो 20% का किया है आने वाले साल 1.5 साल के लिए, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि जो शुगर कंपनीज बड़ी प्लेयर्स है, जैसे कि बलरामपुर चीनी है, दामपुर शुगर है, मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्टिक आज आपको देखने को मिलेगा। शुगर कंपनीज के लिए एक अच्छी और एक खबर है कि एक्सपोर्ट कोटा भी अभी खोला गया है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली थोड़ी बहुत रेवेन्यू इनकम के लिए जगह बनती है। लेकिन एथेनॉल डेफिनेटली बहुत प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है शुगर के मुकाबले में, और ये इंसेंटिव अगर आती है तो इनको डेफिनेटली मार्जिन में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली पॉजिटिव सेंटिमेंट वाला न्यूज़ है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको आगे आने वाले बजट में भी हो सकता है कि थोड़े बहुत और इंसेंटिव दे। तो बलरामपुर चीनी, धामपुर, ये काफी अच्छे वेल पोजिशन स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली वन कैन कंसिडर। नहीं बिल्कुल दीपांशु, देखिए मुझे लग रहा है कि डेयरी सेक्टर में सबसे बड़ा जो कॉस्ट वेरियंट होता है वो कॉस्ट ऑफ मिल्क का होता है। डेफिनेटली दूध के कीमतें बढ़ी है क्योंकि सप्लाई शॉर्टेजेस हो चुकी है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो वेल एस्टेब्लिश प्लेयर्स है, क्योंकि ये ज़्यादातर बिजनेस एक लोकलाइज बिजनेस होता है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये संकेत है कि आने वाले साल में आपको और थोड़े प्राइस हाइक्स देखने की पॉसिबिलिटी मिलेगी, और कहीं ना कहीं मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि 4-5 हाइक के बाद भी इसमें कोई डिमांड की कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम आप देख सकोगे, और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है जैसे कि हेरिटेज फूड्स है, उसके बाद अभी मेरे ख्याल से दूसरे जो पराग मिल्स है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको अच्छी खासी अपटिक देखने को मिलेगी। बट ये कितना बॉटम लाइन को कंट्रीब्यूट करता है वो मेरे ख्याल से आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, बट नेट नेट न्यूज फ्लो पॉजिटिव रहेगा। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट सबसे बड़ी बात दीप ये है कि ये स्पेस में बहुत लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज है, जैसे कि वाटेक वाबाग है, आयन एक्सचेंज है, तो ये स्पेस में सप्लाई शॉर्टेजेस रहेंगी और इन कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। दीपांश, ऑलरेडी आयन एक्सचेंज की बात करें तो नंबर्स Q2 पे बहुत ही दमदार आए थे, कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग थी, और वाटेक बाबाग में तो इनके पास ग्लोबली भी काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस डोमेस्टिक ऑर्डर बुक काफी अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में ऑर्डर बुक का मोमेंटम अगर जारी रहता है तो ये दोनों प्लेयर्स को मैक्सिमम बेनिफिट। नहीं बिल्कुल, देखिए चाइना का जो अभी न्यूज फ्लो आया है कि उन्होंने अभी पूरी तरह से जो रेस्ट्रिक्शंस है वो अभी निकाले हैं, 8 जनवरी से तो पूरी तरह से ये कम्प्लीटली निकल जाएंगे, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव बात है। आई थिंक मेटल सेक्टर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि देखिए मेटल्स ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर है, और जब भी चाइना से ऐसी खबर आती है तो डेफिनेटली आपको एक अपटिक देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मेटल मार्केट जब चाइना उतरेगा और अपनी बाइंग रिज्यूम करेगा तो भी आपको अक्रॉस द बोर्ड फेरस नॉन फेरस स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि उसके पहले ही मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा एक अपट्रेंड आपको देखने को मिले। तो डेफिनेटली टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, ये सारे स्टॉक जो बीटन डाउन है, यहाँ पे आपको एक अच्छा अपटेक देखने की पॉसिबिलिटी जरूर मिलेगी। बट आई थिंक ये डिपेंडेंट है कि चाइना जो अभी बता रहा है वो वापस उसके ऊपर कमिटेड रहे, क्योंकि बीच बीच में चाइना अपने वर्जन बदलता रहता है, कभी ओपनिंग आपकी बातें करते हैं, वापस कोविड के रिपोर्ट्स बताते हैं, तो मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा सा कॉशियसली इसको लेगा, और एक बार ये कन्फर्म्ड होता है तो डेफिनेटली मेटल में
जो आपको काफी समय से वॉलेटिलिटी और अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी वो शायद यू नो जनवरी से वापस रिज्यूम हो सकती है। अविनाश जी एक बात बताए सर, ये जो रिसेंट रिबाउंड आया है, रिवाइवल आया है फार्मा में, हेल्थ केयर में, डायग्नोस्टिक शेयर्स में, चीन की कोविड को बात लेकर, अब जो चीन कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए और बाजार भी वापस नॉर्मल आ रहा है, तो क्या ये रोटेशन वापस फार्मा से हट जाएगा सर? कल ऑलरेडी हमने फार्मा में वापस करेक्शन भी एक देख लिया। देखिए दीपांशु, मुझे लग रहा है कि डायग्नोस्टिक कंपनीज में जो उछाल हमने देखा है उसमें डेफिनेटली थोड़ी बहुत बिकवाली का प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा, जैसे कि थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लालपत लैब्स, ये बहुत ही जल्दी 15-20% बढ़े थे, तो यहाँ पे डेफिनेटली यू नो मुनाफा वसूली आ सकती है क्योंकि कोविड इनके लिए नियर टर्म का ट्रिगर यू नो ऑलवेज साबित होता है। बट अगर हम फार्मा कंपनीज की बात करें जो यूएस में काम करते हैं, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट्स में क्रिएटर करते हैं, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अपटिक जरूर देखने को मिलेगा, जैसे कि सन फार्मा है, टोरेंट फार्मा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं वैल्यू अच्छी तरह से बिल्ड हो रही है, तो जिनको लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदने अगर कोई यू नो मुनाफा वसूली यहाँ पे आती तो खरीदने का मौका चाहिए, लेकिन डायग्नोस्टिक कंपनीज में निवेश ना करें क्योंकि यहाँ पे मार्जिन प्रेशर ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है और कोविड का अगर यू नो नामो निशान निकल जाता है, चाइना से भी यू नो सब ठीक ठाक होता है, तो मेरे ख्याल से जो बिल्टअप हुआ था इन कंपनीज में कोविड के कारण वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाएगा, तो डायग्नोस्टिक कंपनीज को अवॉइड करना। नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु देखिए 600 रुपये में भी अच्छी बाइंग कंटिन्यूसली आ सकती है क्योंकि जो नॉर्मली बैंकों का बड़े सबसे बड़ा जो का रेवेन्यू का और यू नो बिजनेस का पीरियड होता है वो अक्टूबर टू मार्च का होता है और जिस प्रकार से क्रेडिट ग्रोथ 18-19% आई है, मेरे ख्याल से जो तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे जनवरी में बहुत ही दमदार रहेंगे और ओवरऑल कमेंट्री तो एसबीआई मैनेजमेंट की काफ़ी यू नो स्ट्रांग थी, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक था, तो मुझे लग रहा है कि इवन फ्रॉम करंट लेवल्स एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। मार्केट में थोड़ी बिकवाली आने के कारण इस स्टॉक में थोड़ी बहुत कटाई जरूर आई थी, लेकिन मेरे ख्याल से जो फेयर वैल्यू बनती है वो करीबन 700 रुपये है, तो आप खरीदने का मौका बनता है। हालांकि स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट जरूर होगा बट अगर किसी को 6-12 months का टाइम फ्रेम लेना है तो मेरे ख्याल से 650-700 रुपये का एक नियर टर्म का टारगेट पॉसिबल लग रहा है, तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड अभी भी बनती है बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। इसके लिए खबर भी आती है, देखिए अविनाश जी से एचईजी पर राय भी ली जाए, एचईजी ग्रेफाइट दोनों ही आपको एक्शन में आ रहे हैं, बट एसेंशियली अविनाश जी एक नई सब्सिडरी इन्होंने सेटअप करी है और नया प्लांट ये सेटअप करने जा रहे हैं, ये भी जो ग्रोइंग एरिया है आजकल का उसी पर फोकस करेंगे, लिथियम आयन एरिया में ये फोकस करने जा रहे हैं, केपेक्स भी लाइनअप कर रहे हैं, 7% ऊपर है, एचईजी पर राय दें सर। इनफैक्ट दीपांशु देखिए ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी यूनिक है और दूसरी बात जैसे अभी मेटल में वापस तेजी होने की बातें चल रही है तो यू नो जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो डेफिनेटली उनकी खपत भी काफ़ी अच्छी बढ़ेगी और वैसे भी यू नो गिने चुने प्लेयर्स ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स में इंडिया में है जैसे कि ग्राफाइट इंडिया है, एचईजी है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक देखिए कंपनी अभी भी यू नो काफ़ी कैश रिच है, इनके प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छे मार्जिन यू नो इम्प्रूव होने की संभावना है, तो मेरे ख्याल से देखिए 6-7% बढ़ा तो ज़रूर है लेकिन अगर मेटल में बहुत अच्छी तेजी आपको आगे देखने को मिलेगी तो यहाँ पे आपको और थोड़ी री रेटिंग ये स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, तो जिनके पास है वो होल्ड करें, जो थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है वो इस लेवल से भी एंटर कर सकते हैं क्योंकि आने वाले 6-12 महीने में होपफुली अगर चाइना मेटल मार्केट में आता है तो मेटल मार्केट में तेजी अगर आती है तो ऑब्वियसली इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा वो एचईजी जैसे कंपनीज को भी बेनिफिट करना चाहिए। अनिल जी जो 10 की कमाई का आज मैंने स्टॉक चुना है वो बेसिकली एथेनॉल से कनेक्टेड है, कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हमको लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार का परफॉर्मेंस पहले 6 महीने में इन्होंने रिकॉर्ड किया है और जिस प्रकार की एथेनॉल की पॉलिसी गवर्नमेंट की है डेफिनेटली प्राज इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, 650-700 करोड़ की ऑर्डर बुक है, मुझे लग रहा है कि इस साल कम से कम 190-200 करोड़ का प्रॉफिट आएगा तो उस हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ही दमदार रहेगी। दूसरी बात इस कंपनी को आपको एक टेक्नोलॉजी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, कॉम्प्रेस बायोगैस, स्पेशल एविएशन फ्यूल, ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आने वाले साल डेढ़ साल दो साल में ऑब्वियसली कमर्शलाइज होंगे तो ग्रोथ मोमेंटम बहुत सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है और हमको लग रहा है कि जिसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है 340-350 का रेंज में खरीद लीजिए, कम से कम 450 का टारगेट प्राइस एटलीस्ट नेक्स्ट 12-15 months में पॉसिबल है, तो वैल्यू पिक और इन्वेस्टमेंट पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राज इंडस्ट्रीज। Okay, प्राज इंडस्ट्री है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है, टारगेट रखें 450 रुपए का, यहां से 100 रुपए ऊपर के टारगेट्स के लिए करनी है आपको खरीदारी।